मथुरा के थाना कोसी कला के गांव शेरनगर का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस की हकीकत को दरकिनार करते हुए उसकी कार्यशैली व पुलिस की दबंगई को दिखाया गया है। लेकिन जांच के दौरान हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आई। आखिरकार पुलिस के अधिकारियों को इस मामले में सफाई भी देनी पड़ी। पुलिस जांच में पता चला कि पुलिस की बर्बरता दिखाने वाली इन तस्वीरों के पीछे पुलिस की मुस्तैदी की वजह से कई जिंदगियां बच पाई। दरअसल कोसी कला के गांव शेरनगर में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से उगाई गई गेहूं की फसल को सोमवार को कुर करने पहुंची पुलिस के सामने दो युवतियों एवं तीन महिला किसानों ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर फसल काटने का विरोध कर आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए उन्हें बचा लिया, जिसके बाद पुलिस दो युवतियों सहित पांच महिलाओं को पकड़कर थाने ले गई। एसडीएम छाता हनुमान प्रसाद के केरोसिन डालने की घटना को गलतफहमी बताते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। आइए जानते हैं श्रीश चंद एसपी ग्रामीण से। कल दिनांक 12 अप्रैल को थाना कोसी कला के ग्राम शेरनगर में ग्राम समाज की राजस्व की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बोई गई गेहूं की फसल को पूर्व करने का एसडीएम छाता के आदेश के खिलाफ हो रहा था एवं फसल की कटाई हो रही थी। इसी दौरान खेत में छुपा कर रखी गई केरोसिन की बोतलों को महिलाओं द्वारा डालने की अपने ऊपर डालने की कोशिश की गई, जिसे तत्परता से मौजूद पुलिस बल द्वारा मौके पर जाकर महिलाओं को सकुशल बचाया गया। इसमें किसी प्रकार की पुलिस द्वारा अभद्रता नहीं की गई एवं ग्रामवासियों द्वारा ऐसी कोई शिकायत भी नहीं की गई है। इस प्रकरण में कार्रवाई पुलिस द्वारा जीवन को बचाने के लिए किया गया है। अन्य विधि कार्रवाई इस प्रकरण में प्रस्तुत है।